जिन आदमियों को तुमने कैदखाना में डाला था, हैकल में खड़े लोगों को तालीम देते रहे थे। हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल पांचवा बाब 17वीं ता 26वीं आयत तक। उस वक्त कहने आसम और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरके के थे, हसद से भर कर उठे और रसूलों पर हाथ डाले और उनको जिससे आवाम में बंद किया। मगर खुदावन के एक फरिश्ते ने रात को कैदखाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ और हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर तड़के हैकल में गए और तालीम देने लगे। इतने में काहिने आजम और उसके साथियों ने आकर अदालत आलिया और बनी इसराइल के तमाम दीवाने खास की मजलिस की और कैदखाने में कहला भेजा के उन्हें लाए, मगर बयादों ने पहुंचकर उन्हें कैदखाने में ना पाया और लौट कर खबर दी और कहा कि हमने कैदखाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो किसी को अंदर ना पाया। जब हैकर के सरदारों और सरदार कहनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में सरासीमा हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इस पर किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैदखाना में डाला था, हैकर में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब हैकर का सरदार बयादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।